बंगलुरु दक्षिण की लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी 28 साल के तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस के बीके हरिप्रसाद को मात देकर एक बड़ी जीत दर्ज की है और वो पहली बार संसद भवन में पहुंचे हैं और वो सबसे कम उम्र में संसद पहुंचने वाले युवा सांसद भी बने हैं। वे अपने कॉलेज के दिनों से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे और 28 साल के तेजस्वी सूर्या पेशे से वकील और भाजपा युवा मोर्चा के महासचिव हैं। इसके अलावा भाजपा के 2019 के लिए गठित राष्ट्रीय सोशल मीडिया अभियान में भी वे अहम सदस्य हैं। भाजपा का हिस्सा बनने से पहले छात्र संगठन ABVP में वे सक्रिय रह चुके हैं। नेटवर्किंग में माहिर माने जाने वाले तेजस्वी लोगों के बीच एक प्रखर वक्ता के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं। आप सभी को बता दें कि बेंगलुरु दक्षिण लोकसभा सीट से भाजपा के अनंत कुमार सांसद थे। उनके देहांत के बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि अब यहां से उनकी पत्नी तेजस्विनी भाजपा की उम्मीदवार होंगी, लेकिन पार्टी के चयन ने सभी को आश्चर्य में डाल दिया और तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस के कद्दावर नेता बीके हरिप्रसाद को मात दी। हरिप्रसाद राज्यसभा में सांसद हैं, राजनीति में लंबा तजुर्बा रखते हैं। बीते कुछ समय से कर्नाटक की राजनीति से भले दूर रहे हों, लेकिन कांग्रेस के संगठन में उनके पास लंबा अनुभव है। इसके बरक्स तेजस्वी सूर्या युवा हैं, अनुभव भले न हो लेकिन उनकी भरपाई अपने जोश से करने को वो बेताब रहते हैं और इसी बेताबी की झलक उनके ट्वीट्स में भी दिखाई देती है जो उन्होंने भाजपा की लिस्ट में नाम में आने के बाद किए थे। उनका एक ट्वीट था जो उन्होंने टिकट मिलने के बाद किया था, जब उन्होंने अपने ट्वीट में ये लिखा था कि ओह माय गॉड, विश्वास नहीं होता कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के PM और सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष ने 28 साल के व्यक्ति को बेंगलुरु दक्षिण जैसी प्रतिष्ठित सीट के लिए चुना है, ये सिर्फ भाजपा में हो सकता है। और उनका ये ट्वीट काफ़ी सुर्खियों में रहा था। अब हम आपको बताते हैं कि बेंगलुरु दक्षिण की सीट में आखिर ऐसी क्या खास बात है। तो साल था 1991 का, जब भाजपा के वेंकटगिरी गोड़ा ने बेंगलुरु दक्षिण पर कब्जा जमा लिया था और इसके बाद साल 1996 का चुनाव था। 37 साल के अनंत कुमार ने वेंकटगिरी से मिली कमान कायदे से संभाली और फिर अगले 5 चुनावों तक किसी को फटकने भी नहीं दिया। अनंत कुमार कुल 6 बार बेंगलुरु सीट से जीतकर लोकसभा पहुंचे और 1999 में एक छोटी कोशिश भी के हरिप्रसाद ने ज़रूर की, लेकिन नाकाम कोशिश थी। अनंत कुमार ने उन्हें करीब 65,000 वोटों से हरा दिया था। 12 नवंबर 2018 को अनंत कुमार का निधन हो गया, जिसके बाद ये सीट खाली हो गई। इस बार जब टिकट बांटने की बारी आई तो उम्मीद अनंत कुमार की पत्नी तेजस्विनी को भी थी, उन्हें लगा कि टिकट उन्हीं को मिलेगा। शायद यही वजह थी कि जब तेजस्वी के नाम का ऐलान हुआ तो तेजस्विनी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये चौंकाने वाली खबर नहीं है, हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि वे पार्टी पर कोई भी सवाल नहीं उठाना चाहती है। दक्षिण बेंगलुरु के एक छोटे से घर में तेजस्वी सूर्या ने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बिताया है। एक बेडरूम को उन्होंने स्टूडियो में तब्दील किया जिसमें तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। वहां से सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए फ़ोटो और वीडियो शूट करते हैं। इस कमरे के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा था कि ये अकेला ऐसा कमरा है जिसका मैं वर्तमान में प्रयोग करता हूँ, वरना मैं पूरे घर का इस्तेमाल अपने अस्थायी चुनाव अभियान कार्यालय के तौर पर करता हूँ। सांसद का चुनाव लड़ने से पहले उन्होंने अपना पहला चुनाव असिस्टेंट हेड बॉय के तौर पर स्कूल में 7वीं कक्षा के दौरान लड़ा था। इस चुनाव में उन्हें जीत हासिल हुई थी क्योंकि वे अकेले उम्मीदवार थे जिसने अभियान को गंभीरता से लिया था। स्कूल बॉय से लेकर सांसद का टिकट मिलने तक सूर्या ने एक लंबी यात्रा तय की है, लेकिन उनका हर चुनाव अभियान युवाओं की ओर उन्मुख रहा है। वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और युवा मोर्चा के पूर्व नेता भी रहे हैं। उन्होंने कई रैलियों में हिस्सा लिया है, जैसे मंगलोर चलो बाइक रैली जो पिछले साल विधानसभा चुनाव के दौरान आयोजित की गई थी, इसमें भी उन्होंने हिस्सा लिया है। पेशे से वकील सूर्या ने कई भाजपा नेताओं के मुकदमे भी लड़े हैं। उनके पोस्ट कार्ड न्यूज़ के संपादक महेश हेगड़े का साइबर अपराध मामले में बचाव भी किया है। मैसूर के सांसद प्रताप सिम्हा के भी कई मामलों में उन्होंने बचाव किया है और कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष BS येदियुरप्पा पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों में अशोक हरनाहल्ली के साथ मिलकर उनका बचाव किया था। यह सीट 1991 में भाजपा का गढ़ रही है। सूर्या को इस लोकसभा क्षेत्र के विधायकों से कोई खास समर्थन नहीं मिला, इसके बावजूद उन्होंने जीत हासिल की है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।